ये है क्लास 12 का लेसन 3 फ्लेमिंगो बुक से डीप वाटर अबाउट द ऑथर विलियम डगलस। विलियम डगलस इसमें एक राइटर है और ये बात हो रही है इनके जन्म। मैं थोड़ा सा अबाउट लेखक के बारे में जान लेते हैं फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। इनका जन्म होता है मैने में, मिनेसोटा में, और आफ्टर गेटिंग विथ ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंड 2 ईयर्स टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। याकिमा एक वाशिंगटन में एक सिटी है जहाँ पर बोल रहे लेखक ने पहले यहाँ पर आर्ट्स से बैचलर इंग्लिश आर्ट्स से इंग्लिश किए, फिर इकोनॉमिक्स किए और अब 2 साल यहाँ पर बिताए थे एज ए हाई स्कूल में टीचर ग्रुप में याकिमा पर। हाउ एवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइड टू परस्यू अ लीगल करियर। उसके बाद उन्होंने फिर आगे एक लीगल करियर में कानूनी करियर ग्रुप में अपना बिजनेस को आगे बढ़ाया। ही मेट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। उस समय वो वहाँ पर रूजवेल्ट से मिला येल में एंड बिकम एन एडवाइजर एंड अ फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। उस समय रूजवेल्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे वाशिंगटन के, यूएसए के, तो उनसे वो मिले और उनका एडवाइजर और फ्रेंड भी बन गए थे। डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। उसके बाद डगलस ने कुछ समय तक एडवोकेट का भी काम किया था, अधिवक्ता जिसको बोलते हैं हिंदी से, एंड ही रिटायर्ड 1975 और उसके बाद वो 1975 में 1975 में रिटायर हो गए और 36 उस समय उसकी उम्र हो रही थी, उस समय रिटायर हो गए थे। और इनका एक बायोग्राफी है जिसका नाम है मैन एंड माउंटेन्स, विलियम डगलस का। उन्हीं में से एक लेशन को उठाया गया है जिसका नाम है डीप वाटर। आइए इनमें हम लोग पढ़ते हैं कि इनके बारे में और क्या क्या बातें जो है बताई गई है। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या कि इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। यह घटना तब की होती है जब मैं, यानी लेखक बोल रहे हैं, जब मैं 10 और 11 साल का था। आई हैड डिसाइड टू लर्न टू स्विम। उन्होंने डिसाइड किया कि हमको सीखना है। क्या चीज़ सीखना? तैरना सीखना, लर्न टू स्विम। देयर वाज ए पूल द YMCA इन याकिमा। याकिमा शहर में एक पूल था जिसका नाम था YMCA, तो वो तैरने का एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी था, एक जगह था। तो याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, और याकिमा एक शहर का भी नाम है और एक नदी का भी नाम है, और ये बहुत ही ट्रेचरस था। ट्रेचरस मतलब होता है डेंजरस, जोखिम भरा। तो उनकी मदर जो थी, मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट। नदी में जाने से उनकी मम्मी बार बार मना करती थी कि नदी में ना जाओ, बिकॉज इट वॉज सो वेरी ट्रेचरस, डेंजरस, मत जाइए उसमें। कैप्ट फ्रेश इन माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर, बट द YMCA पुल वॉज सेफ। लेकिन YMCA पुल बहुत ही सेफ था और वो नदी बहुत ही जोखिम भरा था। याकिमा रिवर उनका नाम था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सेलो एंड। तो स्विमिंग पूल स्टार्टिंग में थोड़ा ऊपर होता है और जब जैसे जैसे आप अंदर जाओ तो थोड़ा डीप मिलेगा आपको। उसी को स्टार्टिंग में उसी को डीप और सेलो कहा गया। सेलो मतलब अंत, अधिक, जिसका गहराई हो। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और कहीं कहीं पर तो 9 फीट का भी गहराई था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड दैट टू द पूल। तो उस पुल में मैंने उतरने का निर्णय लिया। तो उसको वहाँ उतरने से पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे ही स्विमिंग पूल में आप लोग तैरने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है ना सेफ्टी के लिए, आपके सेफ्टी के लिए वाटर विंग्स पहना जाता है, उसमें हवा भरी जाती है ताकि आप पानी में डूबो ना। आई हेटेड टू वॉक। यहाँ पर ये जो दिया गया है, यहाँ का मैप दिया गया है याकिमा रिवर का, कि वॉशिंगटन मैप दिया गया है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू द इट एंड सो माई स्किनी लेग्स। स्किनी मतलब है पतला दुबला। उनको अपना पूरा कपड़ा उतार के और स्विमिंग कॉस्ट्यूम वहाँ का पहनना बड़ा ख़राब लगता था कि उनको उनका पैर जो पतले थे और जो उनको अच्छा नहीं लगता था। बट इस सबड्यूड माई प्राइड इट एंड डिड इट। लेकिन वहाँ उसको करना उसे पड़ा था, उन्होंने उसको पहना था। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू में क्या होता, हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर देन आई वॉज इन इट। एवर्जन मतलब होता डिसलाइक, उनको पानी से बड़ा नफरत था। कैसे नफरत था, चलिए हम लोग देखते हैं। व्हेन आई वाज इन इट, जब उसको पानी के अंदर जाता था तो पानी से बड़ा नफरत होता था। द स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स। कहानी सुना रहे हैं पीछे, बैक कहानी, फ्लैश बैक का, कि जब बोल रहे कि जब हम 4 ईयर्स और 3 और 4 ईयर्स, जब हम 3 या 4 साल के थे, द फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो मेरे पिताजी मुझे एक समुद्र के इलाके पे लेके गए थे, किनारे ले गए थे, बीच में कैलिफोर्निया में जगह था। ही एंड आई, वह यानी मेरे पिताजी और मैं, स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। हम दोनों एक साथ सर्फ पे खड़े थे। सर्फ मतलब होता है लहर में, समुद्र जो लहर आती है उसको सर्फ बोलते हैं, SURF। आई हंग ऑन टू हिम, मैंने उनको पकड़ कर रखा था अपने पिताजी को। एट फिर भी द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। फिर भी एक वेव्स आए, तरंगे आई और हमको पानी में गिरा दिए। आई वॉज ब्यूर इन वाटर, मैं पानी में डूब गया हल्का सा। माई ब्रेथ वॉज गॉन,
सांसें रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंडेड, मैं बहुत डर गया था। फादर लव्ड, उनके पिता बड़े हंस रहे थे। बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, उस वेव्स के कारण, उस तरंग कारण उनके दिल में एक हट में एक बहुत डर बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज, और YMCA पुल पर जाना उनके लिए वो जो पल बीते हुए थे कैलिफोर्निया के वो पल याद आ गए। स्टैंडिंग चाइल्डिश फियर्स, बचपन का डर था। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन मैं थोड़ा देर के बाद मैंने साहस को गैदर किया, एकजुट किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और न्यू वाटर विंग्स उनको मिले थे। वॉचिंग द अदर बॉयज, जो वो देख रहे थे कि उसी पुल में YMCA में ही दूसरे बच्चे जो है बहुत तैर रहे थे, लेकिन ये किनारे खड़े थे क्योंकि डर लग रहा था। तो ये सोचे ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, कि हम भी थोड़ा सा सीखते हैं एपिंग दैम करते। एपिंग APING, एपिंग मीन्स होता है कॉपी करना। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, और इस तरह वो 2 or 3 days से ये कर रहे थे। वॉज जस्ट बिगनिंग टू द फीट टू इजी इन द वॉटर वेन आई मिस एडवेंचर हैपन, और ये उनके लिए थोड़ा सा कुछ अजीब था। किन के लिए? विलियम डगलस के लिए। आई वेंट टू द पुल, मैं पुल पर गया। वेन नो वन एल्स वॉज देयर, एक बार होता है कि वो पुल पर गए सीखने के लिए, तैरने के लिए, लेकिन देखो वहाँ पर अभी तक कोई आया नहीं था। हालांकि इसको अकेले उतरने में पानी में डर लगता था, कोई आया नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह बड़ा शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी शांत थी। एंड द टाइल्स बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, जिस पर घर में जो बाथटब होते हैं उनमें जिस तरह जमीन दिखती है ना, उसी तरह वहां पर भी स्विमिंग पूल में जमीन दिख रही थी। बहुत क्लीन वाटर था YMCA पूल जो था। आई वॉज डिमाइंड अबाउट गोइंग इन एलोन, और उनको थोड़ा सा डर लगता था कि अकेले जाने में पानी पर। हालांकि वो तो शुरू से डरपोक था, पानी से डर लगता था। क्यों डर लगता था बता ही दिया, कैलिफोर्निया का घटना। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैंने क्या किया, पूल के साइड में बैठ गया और वेट फॉर अदर्स, किसी दूसरे का इंतजार करने लगे ताकि कोई आए उनका साथ दे, कंपनी दे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन आई कैम ए बिग बुजर ऑफ ए बॉय, उसके बाद एक बहुत ही बड़ा वरिष्ठ लड़का आता है, प्रोबेबली 8 years old, संभवतः वो जो था 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पाइस मैन विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शो ट्रिपलिंग मसल्स, और उनके पैर और बाहें बहुत ही मजबूत थी। ही एल्ड हाई स्किनी, उसने उसको बोला हाई स्किनी, स्किनी मतलब बता दिया मैंने, स्किनी मतलब होता है पतला दुबला इंसान। उसने उसको बोला डगलस को कि हाई स्किनी, हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, तुमको अगर पानी में फेंक दें तो कैसा महसूस होएगी। विद डैट हीज पिक्ड मी, और इतना बोलते ही उसको उसने पिक्ड किया, उठाया और टॉस उछाल दिया उनको, किनको, विलियम डगलस को, इन टू द डीप विंड, गहराई में, पानी की गहराई में। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, और वो बैठा हुआ पोजीशन में था तो बैठा ही रह गया। स्वेल्ड वाटर एंड वेंट एट ऑन्स टू द बॉटम, कुछ पानी पिया, स्वेलो मतलब निकलना, कुछ पानी को निकला और जमीन में चला गया, बॉटम पर, पूल के जमीन में। बॉटम मतलब नीचे होता है तली। आई वाज फ्राइटेड, मैं बहुत डर गया था। बट नॉट एट फ्राइटेड आउट माई वेस्ट, ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक ए बिग जंप, तो उसने सोचा कि जब से ही मेरा पैर बॉटम को टच करेगा मैं वहां से प्रेशर लगाऊंगा सरफेस से और फिर वापस ऊपर आ जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन चूंकि बहुत ही लंबा, उनको उस समय बहुत ही लंबा दूरी लग रहा था, क्यों, डर था ना मन में। दोज 9 feet वेयर मोर लाइक 90, 9 feet का गहराई उनको 90 feet लग रहा था। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लेग्स वेयर रेडी टू ब्रस्ट, अब जब वह टच करता बॉटम को उनको फील हो रहा था कि मेरा जो है ना लंग्स जो है ब्रस्ट कर जाएगी, मतलब सांस में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत देर तक पानी में रह गया था। बट व्हेन माय फीट हिज बॉटम आई समंड ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड मी आई थॉट वाज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स आई इमेजिन इट वुड वॉब द सरफेस लाइक ए कॉर्क, वो सोचा कि हम कॉर्क की तरह जो है उछल जाएंगे। कॉर्क बहुत हल्का होता है, पानी में उछलता है, लेकिन वो उछला नहीं, वो और अभी तो क्या हो गया, नीचे चलने लगे। आई केम अप स्लोली, वो धीरे धीरे करके उठना स्टार्ट किया। आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग, जैसे उसकी आंखें खोली उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। ओनली वाटर एंड वाटर सराउंडिंग ऑन हिम, चारों तरफ उनके ऊपर पानी ही पानी नजर आ रहा थी, वो भी डर्टी येलो रिंग्स, और वो पानी कैसा था, पतला मतलब पीला पानी था। आई ग्रू पैनिकली, बहुत डर गया था। आई रीज अप एज द ग्रेप ऑफ रूप एंड माई हैंड्स क्लच
only at water. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. उसने वहाँ चिल्लाने कोशिश किया, आवाज़ देने कोशिश किया, स्क्रीम किया, बट कोई आवाज़ नहीं आई, क्योंकि then my eyes and nose came out of water, but not my mouth. सिर्फ उनकी आँखें और nose ही out of water था, पानी से बाहर, लेकिन उसका मुंह जो था ना, mouth अभी भी पानी के अंदर ही था, इसलिए उनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं पा रहा था. तो आज इतना ही हम पढ़ा रहे हैं. अगर ये अच्छा लगे तो बता दीजिएगा, ताकि मैं कल इसका आधा को जो पूरा आप लोग को मैं डिलीवर कर सकूं. तो आई होप यहाँ तक की बात देखिएगा, समझ में आप लोग को आएगा. तब तक के लिए इतना ही. ओके, गुड.